चलो मैं तुम लोग से नीचे मिलती हूँ। वेर आर वी गोइंग टूडे अहान? यू कैन आस्क ममता जी। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, किंचो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और जैसा आपने देखा, शर्मा जी और हमारे छोटे शर्मा जी लेके जा रहे हैं कुछ सामान नीचे। हम जा रहे हैं आज बीच के किनारे, ये नहीं पता कौन से वाला, जहां पे हमें ट्रैफिक कम मिलेगा, क्योंकि यूएई नेशनल डे था कल 2nd of December को, और आज भी कई जगह जो है वो फायरवर्क्स होने हैं दुबई में, तो हम मिस नहीं करना चाहते। कल मैं लामेर गई थी, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी है, आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। और आज भी कोशिश ये है कि कुछ अच्छा सा कैप्चर कर पाऊँ, आप सबको दिखा पाऊँ, एंड काफ़ी सारा कुछ पैक किया है। चलिए चलते हैं और करते हैं मस्ती साथ में। हम आए थे लामेर की पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए, और पता चला कि 20 दिरहम्स जो हैं वो पर आवर पार्किंग चार्जेस हैं, विच मीन्स 400 रुपये एक घंटे के। तो मैंने अमित से बोला कि आज फ्राइडे है, पार्किंग बाहर ढूंढते हैं, आप बाहर पार्किंग लगाओ। तो उन्होंने हमें ऐसी जगह ड्रॉप कर दिया जहाँ से हम सीधा पहुँच गए अंदर लामेर के। तो जुमेरा वाली सड़क पर हमने जुमेरा बीच पर जाना था, वहाँ पर है आज बहुत सारा रश, क्योंकि लोग जा रहे हैं यू नो फायरवर्क्स देखने के लिए। उधर बुर्ज अल अरब की तरफ भी फायरवर्क्स होने हैं, तो वहाँ बहुत रश था, तो हमने सोचा कि इस तरफ ही आ जाते हैं। तो चलिए लामेर का एक कोना पकड़ते हैं कहीं पे, यहाँ इतना रश नहीं नज़र आ रहा आज, पर इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ कोर्स। तो हम एक अभी स्पॉट ढूंढते हैं किस तरफ को जाना है, एंड लेट्स गो एंड लेट्स हैव सम फन। मामा, आई थॉट दैट वी आर गोइंग टू अनदर बीच। अरे यार, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था ना, इसलिए पापा ने इधर से ही गाड़ी लगा ली है। कोई बात नहीं, विल हैव फन हियर। यहाँ पे भी बेटे फायरवर्क्स होने हैं। आ रहे पापा, ला रहे हैं, ला रहे हैं पापा। चलो उस तरफ चलते हैं, हम अंदर की तरफ। चलो लेट्स गो, सी कितना प्यारा लग रहा है। सामने एक ट्रेन जा रही है, बड़ी क्यूटी सी। अहान अपना स्केटबोर्ड मिस कर रहा है, इसके पापा की गाड़ी में रह गया, अभी पापा लेकर आएंगे, पापा को फोन करते हैं, इसका स्केटबोर्ड याद से ले आए। सो आज हम यहाँ स्मोकी बीच करके एक जगह है, उसके पास में ही ये छोटी छोटी बोट्स बनी हुई हैं, तो हमने सोचा यहीं एक स्पॉट पकड़ते हैं जहाँ थोड़ी सी लाइट मिल जाए, और वहाँ पे जमाते हैं डेरा, बैठते हैं। अभी सामान तो अमित जी के पास है, वो लेकर आएंगे, तब तक हम थोड़ा सा स्पॉट बनाते हैं, बैठने की जगह बनाते हैं, आज पिकनिक स्टाइल मज़े करेंगे। ये देखो, व्हाट कैन बी बेटर देन दिस। मेरा दिल तो कर रहा है इसी में बैठ जाएँ हम सारे, अच्छा बना हुआ है। दिस इज़ नाइस, लेट्स गेट इन साइड ओवर देयर, देखते हैं अंदर क्या है। आ जाओ, दिन के टाइम पे तो यहाँ पे यू नो पूरा लोग धूप धूप सेकते हैं। उधर पूरा चकाचौंध को हम छोड़ के आज हम फोकस करेंगे बीच साइड, बिल्कुल पानी के किनारे हम बैठेंगे जहाँ पानी का शोर भी हमें सुनाई दे, और फायरवर्क्स भी यहीं पे मोस्ट प्रॉब्ली होंगे, और आपको भी साथ में दिखाएंगे। घर से हम कुछ सामान लाए हैं पैक करके, अभी उसको अनपैक करते हैं, यहाँ पे अपना पिकनिक स्पॉट बनाते हैं, आराम से बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। Great job! You can hear the water. Okay. So chairs अभी आ रही हैं। हमने ये छोटा सा spot यहाँ पे लिया है। Ahan is happy. हम साथ में गरम गरम चाय भी लेकर आए हैं हम साथ में। So ऐसा weather हो, ठंडी ठंडी हवा, पानी की आवाज़, और साथ में हो fireworks, तो I'm sure मज़ा ही आने वाला है आज तो खूब सारा। Ahan, full masti, full masti. You wanted to say something earlier? What? क्या कहना था तुमने? I am enjoying.
ऑलमोस्ट 8:30 बजने वाले हैं। आप रश देख लीजिए खुद ही, कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं फायरवर्क्स के लिए। हम भी बैठे हुए हैं, गरम गरम चाय पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आहान का स्केटबोर्ड गाड़ी में रह गया तो वो भी हमारे साथ यहीं पर मस्ती कर रहा है। उसको मैंने बोला है सैंड में खेलेगा, एंड ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी हियर। एंड ये रही हमारी गरम गरम चाय, इसमें चाय वाकई गरम रही। चाय और डाल के दूँ? ये हमारे शर्मा जी, हेलो। और चाय डालती हूँ मैं इसमें गरम, एक मिनट पकड़ना अभी इसको। अरे आहान पकड़ना इसको, आहान बैग को। बस फायरवर्क्स शुरू होने में कुछ ही टाइम है। सो अभी मैंने अपने दूसरे फोन की लाइट के हेल्प से थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है। हम गरम गरम चाय पी रहे हैं यहाँ पे बैठ के, एंड फायरवर्क्स शुरू होने में आई थिंक अराउंड 1 या 2 मिनट्स ही बस बाकी हैं। रश आपको आसपास अभी मैं दूर दूर तक तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर। काफ़ी ज़्यादा भर गया है अभी, क्योंकि अंधेरा है तो आपको इतना दिखा नहीं पा रही हूँ मैं, पर हम भी आराम से बैठे हुए हैं और आहान उधर खेल रहा है। आई होप यू गाइस कैन सी हिम। और बिल्कुल हमारे सामने यहाँ पे फायरवर्क्स होने हैं। देखो मेरी चाय भी यहाँ गरम गरम गोदी में पड़ी है। आहान, वाओ, छोटे शर्मा जी एंड हमारे बड़े शर्मा जी। लुक एट द क्राउड, कितने लोग खड़े हैं आसपास। वाओ, it was awesome. How did you like it, Ahan? It was
देखा गाइस कितने मजेदार थे फायरवर्क्स। मैं कल भी यहाँ आई हुई थी लामेर, लेकिन कल हुए नहीं। उन्होंने बोला कि 3 तारीख को होंगे, तो आज 3 तारीख थी। खूब मस्ती मारी। अभी हम कुछ खाने के लिए भी लेकर आए हैं, थोड़ा बहुत खाए पियेंगे, मस्ती मारेंगे एंड इस वीडियो को आगे डेफिनेटली आपको जो भी आसपास होगा जरूर दिखाएंगे। ये रहे हमारे छोटे शर्मा जी, खेल रहे हैं बच्चों के साथ मिट्टी में, खूब मस्ती मार रहे हैं। आहान, हाउ यू लाइक इट? या ही इज सुपर हैप्पी, बिजी ओवर हियर। शर्मा जी हमारे खा रहे हैं मेरे हाथ की बनी हुई साबूदाना खिचड़ी। आज जरा रंग देखो इसकी। देखो जी, मैं घर से अपने लिए पैक करके लाई थी ये बॉइल्ड कॉर्न्स, साथ में सॉल्ट है और साथ में लेमन है, तो मतलब फुल ऑन तैयारी पिकनिक की मेरे साथ की हुई थी मैंने। पानी का शोर आपको पीछे से सुनाई दे रहा होगा। बस अभी सारा ये खाली हो गया है, ये हमारा स्पॉट था जहाँ हम सारे बैठे हुए थे। अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, कुछ चीज़ें बस लेकर आए थे, और अभी लामेर की रौनक तो वहीं की वहीं है। बस हम कुछ अभी पिक करेंगे रास्ते से और निकलेंगे घर के लिए इसके बाद। और आहान तो घर जाना ही नहीं चाहता, तब से लगा हुआ है कि नहीं मुझे घर नहीं जाना और मुझे पानी में जाना। मैं इसके चेंज ऑफ क्लोथ्स नहीं लाई हूँ तो मैं इसको पानी में जाने नहीं दूंगी, पर पानी के शोर में ना बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आहान ने ना घर बनाया है अपना, आपको दिखाते हैं। आहान मेरे को रख लेगा इस घर में अपने? आहान का हाउस देखो भाई, कितना प्यारा हाउस बनाया आहान ने, हैं? आगे सड़क भी निकाली है मेरी क्यूटी ने, कितनी मेहनत से बना रहा है। मैं भी जब छोटी होती थी मैं भी ये सब बड़ा करती थी। सो खूब मस्ती मार के अब बीच से हम जा रहे हैं वापस हमारी गाड़ी की तरफ, जो हमने लगाई है काफ़ी दूर। और अभी तो रात जवां है, बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे यहाँ निकलने के बाद भी। मम्मा थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। ओह मेरा बेटा, एनी टाइम बेटा, हम यहाँ पे ना एक टाइम दिन के टाइम भी आएंगे। सो यहाँ पे बीच पे आराम से ना धूप में भी लेटेंगे हम। सो आई एम हैप्पी, आहान इज़ वेरी हैप्पी टू बी हियर। हमारे बड़े शर्मा जी कुर्सियाँ उठा के ये जा रहे हैं, हमारे छोटे शर्मा जी उसने कुशन उठाया हुआ है, कह रहा मैं पकड़ूंगा, और जूते इसके मैंने पकड़े हुए हैं क्योंकि पैर इसके गंदे हैं। सो ब्यूटीफुल ना दिस प्लेस, मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। वैसे तो आपको कल मैंने खूब सारा दिखा ही दिया था, अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। रात हो गई है काफ़ी, तो हमने सोचा अभी थक गए हैं घर की तरफ ही निकलते हैं। तो चलिए गाइज, आई एम श्योर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, फायरवर्क्स भी बहुत अच्छे लगे होंगे, जितने मुझे पसंद आए उससे ज़्यादा आपको पसंद आए होंगे। दुबई में बहुत जगह पे फायरवर्क्स जो है वो हुए थे, लेकिन हमें लामेर आना सबसे सेफ रहा क्योंकि हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला और यहाँ पे आराम से हम बैठ भी गए, आके मस्ती भी कर ली, खाना पीना भी हो गया हमारा। तो बस अभी घर की तरफ निकल रहे हैं, ये लोग ऑलरेडी सामान लेके आगे चल दिए हैं और मैं भी जा रही हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं और तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके लिए ज़रूर और वीडियोज़ आएंगी दुबई से। तो गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।